हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आए दिन काफी सारे बैंक यूजर्स के साथ उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और यूजर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता रहता है। जैसे कि कभी किसी यूजर्स का बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, किसी यूजर्स का बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, और कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ छेड़खानी अपने अकाउंट में देखने को मिलती रहती है, लेकिन यूजर्स को भनक तक नहीं लगता कि आखिर में उनके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का अलर्ट का मैसेज नहीं आता है। लेकिन दोस्त, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, वो भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन के अंदर ही करने के लिए। अगर आप इस प्रोसेस को कर लेते हो ना, तो भाई आप समझ जाओ कि आपका बैंक अकाउंट सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, आपका बैंक अकाउंट जल्दी हैक नहीं होगा और ना ही बैंक बैलेंस खाली होगा। क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, किसी भी प्रकार की, तो आपको तुरंत के तुरंत अलर्ट का मैसेज मिल जाया करेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, एक भी पार्ट मिस मत करना। और हाँ, अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग डेली लाइफ में हैकिंग से रिलेटेड या फिर मैसेजिंग ऐप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट हमेशा सेफ और सिक्योर रहे, आप अपने अकाउंट को हमेशा हैकर से बचा कर रख सको, और साथ ही सारे मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा एंजॉय बढ़ जाए, तो अगर आप लोग इन सारे टॉपिक की रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार SGG एडुकेशनल क्लास के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल कंटेंट देखने को मिल जाएगी, जो हैकिंग से रिलेटेड है, यानी कि हैक होने से कैसे बचाया जाए अकाउंट को, उन सारे तरीकों से, और साथ ही मैसेजिंग ऐप से रिलेटेड से है। तो एक बार जरूर से जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना, तभी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अदरवाइज मत करना यार। लेकिन एक बार विजिट जरूर कीजिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो दोस्त, अभी मैं आपको वही प्रोसेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको तुरंत पता चल जाएगा, यानी कि आप इस प्रोसेस को योनो एसबीआई एप्लीकेशन के अंदर कर लेते हो ना, तो भाई आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट के साथ किस प्रकार की छेड़खानी हुई है। ठीक है, आपको अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हो, बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन, जैसे 10,000, 20,000, 2,000 ऐसे करके, तो उसका तो मैसेज आपको मिल जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि 45 रुपीज, 20 रुपीज, या फिर किसी भी प्रकार का चार्ज कटता है, टैक्स लगता है, और भी बहुत कुछ होता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगती। फ्रॉड करने वाले जो होते हैं, वो आपके बैंक बैलेंस को खाली कर लेते हैं, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगती। मतलब कि आपके साथ फ्रॉड हो गया यार, और आपको कुछ पता नहीं चलता, तो भाई ऐसे में तो गलत बात है ना। ठीक है, पता तो चलना चाहिए। तो दोस्त, अब ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब कि अगर इस प्रोसेस को कर लेते हो, तो कुछ भी आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी होगी, तो आपको भनक तुरंत के तुरंत लग जाया करेगा। और हाँ दोस्त, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो आजकल, पता नहीं क्यों मेरे वीडियो में आप लोगों को त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि नजर आने लगी है। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं अपने हिसाब से सही तरीके से समझाता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना यार कि कहाँ पर आपको त्रुटि नजर आ रही है, या फिर कैसे मैं आपको समझाऊँ, या फिर किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, आप जरूर से जरूर बताइए। लेकिन वीडियो को वॉच किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाया कीजिए। ऐसे मत अनायास हमारे टाइम को या फिर हमारे मेहनत को व्यर्थ जाने दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर, लाइक और वॉच जरूर किया कीजिए। और किसी भी प्रकार का बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के कमेंट कीजिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, यहीं पर सबसे ऊपर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, ब्लॉक एटीएम या डेबिट कार्ड, एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट और स्टॉप चेक का। तो आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑल एसएमएस अलर्ट का जिसमें एक्टिवेट का ऑप्शन है और डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, तो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है तो आप डीएक्टिवेट पर क्लिक करके डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं यानी कि एक्टिवेट करना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप एक्टिवेट पर क्लिक कीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए। अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ यार, यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार का अलर्ट मैसेज लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि आपके अकाउंट के साथ क्या होगा, सिर्फ पैसे डिडक्ट होंगे तभी आपको मैसेज मिलना चाहिए या फिर और भी कुछ। तो देखिए यहाँ पर चेक का ऑप्शन है, क्रेडिट या डेबिट अकाउंट का ऑप्शन है, तो इस चेक पर मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्त यहाँ पर देखिए चेक अगर स्टॉप होता है या फिर चेक बुक आप इशू करवाते हैं या फिर डिसऑनर करवाते हैं जो भी, तो आपको तुरंत के तुरंत मैसेज मिल जाएगा, अलर्ट का मैसेज मिल जाएगा चेक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट या डेबिट अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके अकाउंट से कुछ भी रुपया गया, ठीक है, मतलब कि क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, ओके, तो आपको तुरंत के तुरंत मैसेज मिल जाएंगे कि भाई आपके अकाउंट से इतना रुपया गया और इतना रुपया आया, आपको मैसेज तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। अब यही पर ध्यान देने वाली बात है कि मान लो हैकर्स या फिर फ्रॉडस्टर्स आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी करता है, बैंक बैलेंस खाली कर लेता है, तो भाई 1-2 रुपये बैंक बैलेंस खाली करने के लिए तो आपका आपके बैंक के सामने ही या फिर आपके अकाउंट के साथ वो अपना दिमाग खराब तो करेगा नहीं, वो कम से कम अगर आपके अकाउंट में 60-70-50 हज़ार रुपये या फिर 20 हज़ार रुपये भी रहेंगे, 10 हज़ार रुपये भी रहेंगे, तभी तो वो आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी करेगा, ठीक है। तो अगर उस सिचुएशन में मान लो हैकर्स आपके अकाउंट से बैलेंस खाली कर रहा होता होगा, उस सिचुएशन में जैसे वो अकाउंट से बैलेंस खाली कर लेगा तो भाई अकाउंट से बैलेंस तो निकाल लेगा, लेकिन आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना रुपया निकाल लिया गया, और आप उस पर निगरानी रख सकते हैं, उसके बाद तुरंत आप उस पर एक्टिव हो जाएंगे और पता लगाना स्टार्ट कर देंगे अपने ब्रांच में जाकर के या फिर कहीं पर भी जाकर के अपने हिसाब से कि मेरा बैलेंस कहाँ गया, और आप तुरंत उसे थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद वापस पा सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी प्रकार की छेड़खानी आपके अकाउंट के साथ की जाती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हो सकता है आपका बैंक बैलेंस खाली होने से बच भी जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है होल्ड ऑन अकाउंट बैलेंस, मतलब कि अगर आपका अकाउंट होल्ड पर चला गया या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है या फिर होल्ड से रिमूव किया गया तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। कई बार होता है कि किसी भी यूजर्स का अकाउंट होल्ड पर कर दिया जाता है, ना तो आप पैसे निकाल सकते हो ना ही पैसे ले सकते हो, मतलब कि दे सकते हो जमा कर सकते हो, तो उसको होल्ड कहा जाता है। तो अगर होल्ड पर चला गया या फिर होल्ड से हटा दिया गया तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है आई एम अवेयर ऑफ चार्ज, होता क्या है कि जब आप इस सर्विस को एक्टिवेट करते हो तो काफी सारे यूजर्स को चार्ज देने होते हैं, तो अगर आप भी चेक करना चाहते हो कि मुझे भी चार्ज देना होगा या नहीं, कितने रुपए चार्ज देना होगा, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। देखिए आई एम अवेयर ऑफ चार्जेस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि मुझे तो चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप देते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे चार्ज देना पड़ेगा तो आप चेक कर। दोस्त अब आपको इस सर्विस को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली नीचे में देखिए सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज पूछा जाएगा, यू हैव नॉट मॉडिफाइड एनी डिटेल्स, प्लीज चेंज द डिटेल्स टू प्रोसीड, मतलब कि आप दोबारा से इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मे बी लेटर, मतलब बाद में करना चाहते हैं तो मे बी लेटर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और अगर अभी ही करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस पर आप क्लिक कीजिए, प्रोसेस कीजिए और यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट को रहने दीजिए और सबमिट पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए और ये हो जाएगा, मतलब कि ये एसएमएस का जो अलर्ट का सर्विस है वो आपके अकाउंट पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से, और ये हो चुका है। तो दोस्त इस तरीके से आप इस सर्विस को अपने अकाउंट के साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब कि एक्टिवेट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और आपको आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर के सपोर्ट कीजिए, सवाल रखिए और प्यार बरसाइए यार, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और पड़ोसियों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपना अकाउंट फ्रॉडस्टर से बचा सके, हैक होने से बचा सके, बैंक बैलेंस को खाली होने से बचा सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।